मैं सोच के लिए खेत के सामने जब सोच के लिए गई थी, अंकित खेत में पानी लगा रहा था। मैं अचानक पता नहीं वो कहाँ से आया, उसने मेरा एक हाथ से गला दबाया, दूसरे हाथ से मेरे सिर पे तमंचा रख दिया। और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो बोला, चिल्लाना नहीं वरना मैं तुझे और तेरे घर वालों को जान से मार दूँगा। मुझे वहाँ से घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर उसने मेरा बलात्कार किया। ये जो आरोपी है अंकित नाम का, ये रिश्ते में कौन है आपका? भाई है। भाई लगता है? हाँ। कर क्या हुआ बेटा? वहाँ से फिर मुझे तमंची रोड पर वहाँ से आगे ले गया। फिर जब फिर मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला कि चिल्लाना मत, मैंने तुझे एक बार समझा दिया, चिल्लाएगी तो तुझे पहले मारूंगा फिर तेरे घर वालों को मारूंगा। तो आपका मतलब आपको कहाँ ले जाना चाह रहा था वो? दिल्ली बोल रहा था। तो दिल्ली ले जाऊँगा? हाँ। सर क्या क्या हुआ बच्ची के साथ, आपकी पूरी घटना बताइए। सर मेरी बच्ची को रात के लगभग 10 बजे सोच करते समय सामने खेत से उठा ले गया। कौन उठा के ले गया था? अंकित पुत्र ओमनीश। ये अंकित कौन है? रास्ते में हमारा भतीजा लगता है। बच्ची का कौन है? बच्ची का भाई लगता, भाई लगता है। जी फिर वहाँ से वो उठा ले गया, रास्ते में कहीं जाके उसने रेप किया। रेप करने के बाद हम सब लोग इधर उधर ढूंढते रहे। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? उसके बाद में हम पुलिस थाना पहुँचे तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी। तो मेरे करीब लगभग 4 दिन बीत गए। 4 दिन के बाद मैं कप्तान साहब के ऑफिस गया। वहाँ जाकर के हमारी कप्तान साहब ने सुनवाई की। तब आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी? जब मेरी रिपोर्ट ऊंचा थाना लिखी गई। ठीक है, अब उसमें क्या कार्रवाई, कितने दिन पहले की घटना है? सर ये घटना 2 मई की है। 2 मई और अब तक जो है सो मेरे यहाँ कोई एक भी दबिश नहीं है। आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाई? आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है। और मैं थाने अगर जा गया हूँ तो मेरे से ये कहा गया कि आप क्या सप्लीमेंट्री कराइए। तो सप्लीमेंट्री किसकी करानी है? तो सर मैंने सप्लीमेंट्री क्या होगी कि वो उम्र के बारे में एक्सरे होगा, मतलब जांच होगी। तो हमने सर ये एक बार हो चुका है कि नहीं वो नहीं चलेगा, कि सप्लीमेंट्री होगी। हमने कहा सर सप्लीमेंट्री होगी तो मुझे कोर्ट के आदेश दिखाइए, कोई मुझे प्रूफ दिखाइए तो मैं अभी सप्लीमेंट्री करा दूंगा। कौन कह रहा है ये? ये सर क्या नाम, सुबोध कुमार SI ओंचा थाने में। ओंचा थाना पुलिस दबाव बना रही है क्या? पुलिस दबाव मेरे पर उल्टा बना रही है। आरोपी की गिरफ्तारी की वजह? आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं अभी तक जी, और ना ही कर रहे हैं।